ये जी एडवांस में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है कि EDTA माइनस फोर जो आपका इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल्स कितने हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए। ठीक है, यही वीडियो को स्टॉप करके और फिर उसके सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये EDTA का कोबाल्ट के साथ स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप एंगल्स गिनने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, कितने दिखाई दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो इसका आंसर आपका एट है। एट कैसे, एक एंगल ये आपका इस नाइट्रोजन के साथ, एक इसका इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ, चार हो गए। एक नाइट्रोजन के चार एंगल बैठते, दोनों नाइट्रोजन के आठ बैठेंगे। योर आंसर इज एट। सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द IUPAC नेम्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बहुत ही आसान चीज पॉइंट्स हैं सारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आसान चीज होती है, तो इसको बस आप पढ़ लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें 20-30 एग्जांपल्स की, तो आराम से इसका क्वेश्चन हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये क्वेश्चन कई बार IIT JEE एडवांस या मेंस में पूछे गए हैं। तो IUPAC नेम्स आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलेगा, उसका बताना होगा। जैसे मान लो आपको इसका बताना है, तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जानते ही हो। ठीक है ना, तो अब जो है यहां पर जैसे आपका कैटायन है, मान लो NaCl है, तो कैटायन का नाम फर्स्ट पहले आता है, फिर एनायन का आता है, जैसे आप बोलते हो इसको सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कुछ भी आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है या सिंपल है, पहले कैटायन का नाम आएगा फिर एनायन का आएगा। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड में पहले लिगेंड आएंगे, लिगेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम आएगा। ठीक है ना, तो और जो है सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, जो भी आपकी होगी यहां पर। यदि आपका सेंट्रल मेटल एटम एनायन में होता है तो उसके नाम के लास्ट में 8 इज एडेड इन सेंट्रल मेटल एटम नेम इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन होता है। और लिगेंड्स के जो नेम होते हैं आपको अल्फाबेटिकली रखने होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट रूल आपको और ध्यान रखना होता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड आते हैं, जैसे मान लो इथाइलिन डायमीन है, तो इनके साथ प्रॉब्लम ही आती है। मान लो ये EN जो है दो बार आ जाता है, तो आप फिर डाई कहां लगाएंगे। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स आते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, डाई की जगह बिस यूज करते हैं, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करते हैं, टेट्रा की जगह टेट्रा किस वर्ड यूज करते हैं, पेंटा की जगह पेंटा किस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लिगेंड्स के नेम लिख देंगे अभी बोर्ड पर, और जो है उन लिगेंड्स को हमारे को अप्लाई करना होगा। लिगेंड्स को आप न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव तीन तरीके के लिगेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकता है, तो उनके नेम्स जो है अभी लिख दिए बोर्ड पर, उनको आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। ये सारे जो है मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो वाटर जो H2O है आप एक्वा बोलते हैं, NH3 एमीन बोलते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं यहाँ पे, और CS आ जाए उसे थायोकार्बोनिल बोल देते हैं, पिरिडीन रहता है आपका, मिथेनामाइन, फॉस्फीन, यूरिया, थायो यूरिया, PH3P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो जाते हैं। तो इन सब नेम्स का पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स में या पॉजिटिव लिगेंड्स में कोई ज्यादा नहीं है हमारे सिलेबस में। NO है पॉजिटिव तो हो तो नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव हो तो नाइट्रोनियम, और NH2 NH3 पॉजिटिव हो तो हाइड्राजेनियम आपका लिगेंड। ये हमारे सिलेबस में कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हाइड्राइड को हाइड्राइडो बोलते हैं, ऑक्साइड को ऑक्सो, परऑक्साइड को परऑक्सो,
फ्लोराइड को फ्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आई को आइडो या आइडाइडो, और एसीटेट को एसीटेटो, साइनाइड को साइनो या साइनाइडो, आइसो साइनो बोल देते हैं आइसोसाइनाइड को। साइनाइड में जो कार्बन एटम होता है वो डोनर होता है, आइसोसाइनो में साइनो में जो है नाइट्रोजन एटम डोनर होता है, सल्फाइटो में ऑक्सीजन डोनर होता है, सल्फाइडो या थायो एस माइनस टू को, एमाइडो एन एच टू माइनस को बोलते हैं, अमीन को बोलते हैं, और इमिडो एन एच माइनस टू को बोलते हैं, या इन दोनों में डोनर है। नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स के ये भी सारे एग्जाम्पल है, नाइट्रेट आयन एनओ थ्री नेगेटिव को नाइट्रेटो बोलते हैं, एनओ टू माइनस, ठीक है, यदि एनओ टू माइनस लिखा तो डिफॉल्ट में मुझे नाइट्रो समझेंगे या नाइट्राइटो एन बोल देते हैं, ओ एनओ को नाइट्राइटो या नाइट्राइडो एन, एन थ्री माइनस नाइट्राइड आयन को नाइट्राइडो, एजाइड आयन को एन थ्री माइनस एजाइडो बोल देते हैं, और ओसीएन को सीएनओ को साइनेटो, इसमें ऑक्सीजन डोनर होता है, ओसीएन नेगेटिव जिसमें नाइट्रोजन डोनर हो तो आपका आइसोसाइनेटो, एससीएन नेगेटिव सल्फर डोनर आइटम है थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन डोनर है नेक्स्ट में एनसीएस नेगेटिव में आइसो थायोसाइनेटो, और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बाइकार्बोनेटो में ऑक्सीजन डोनर आइटम है। तो ये कुछ नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीडेंटेड में आते हैं तो फर्स्ट ऑक्सिलेटो है, तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम डोनर होते हैं, कार्बोनेट है कार्बोनेटो और इसमें दो ऑक्सीजन एटम डोनर होते हैं, और उसके बाद एसिटाइल एसिटोनेटो है या एसिटाइल एसिटोनेट आयन है जिसे एसी एसी के नाम से भी हम जानते हैं, इसमें दो ऑक्सीजन एटम डोनर है। उसके बाद आपका ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो में आपका नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही डोनर होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो होता है आपका, ठीक है ना, उसका नेगेटिव आयन है, ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है। सल्फेटो में दो सल्फर एटम डोनर आइटम है, थायो सल्फेटो में भी दो सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम डोनर आइटम है, और फिर नेक्स्ट है डीएमजी जिसे आप डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन भी कह देते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, इसमें दो नाइट्रोजन आइटम आपके डोनर आइटम है, और ये जो है आपका निकिल के एस्टिमेशन में आप इसको देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। डीएमजी को डीएमजी के साथ वो प्रेसिपिटेट देता है रेड कलर का, तो ये जो है आपके बाइडेंटेट लिगेंट है। इसके अलावा आपका एक हेक्साडेंटेट लिगेंट ईडीडीए भी इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो मेटल्स के हम कुछ और नेम्स भी यूज करते हैं, जैसे कुछ मेटल्स मान लो पॉजिटिव या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, जैसे एजी है तो उसको सिल्वर बोलते हैं, लेकिन एनायनिक या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होती है तो उसे अर्जेंटेट बोलते हैं, ऐसी लैड को पीबी को लैड बोलते हैं लेकिन नेगेटिव लिगेंट में प्लम्बेट बोलते हैं, एयू को गोल्ड बोलते हैं लेकिन नेगेटिव लिगेंट में ऑरेट बोलते हैं, एचजी को मर्करी और वहां पे मर्क्यूरेट, निकिल को पॉजिटिव लिगेंट या न्यूट्रल में निकिल और वहां पे निकिलेट, और आयरन को आपका न्यूट्रल में या पॉजिटिव में आयरन बोल देते हैं और वहां पर नेगेटिव लिगेंट में फेरेट बोलते हैं। तो ये भी हम नॉर्मलाइजेशन में चीजें फॉलो। आपके सामने तीन कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स का आप वीडियो पॉज करके फार्मूला बनाने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। तो इसका आप में कैटायन है ये पार्ट, ठीक है, और ये एनायन है, तो कैटायन आपका पहले आएगा, और इसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, मान लीजिए एक्स है और कोबाल्ट की अमोनिया की 6 × 10⁻¹ माइनस वन एक्स वैल्यू आ जाएगी प्लस 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा एमीन। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, कैटाइन में आ रहा है इसके नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्लोराइड। अब इसका आपको बनाना है, इसमें भी आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम की, तो कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है, एक्स, और क्लोराइड की माइनस वन, वाटर की 0 और नाइट्रेट की माइनस वन, ठीक है, तो एक्स टू प्लस 3, इसका नाम बनेगा। अब इसमें एक्वा है और ये क्लोरो है, तो एक्वा पहले आएगा क्लोरो बाद में आएगा, जबकि यहाँ पर टेट्रा एक्वा है, ठीक है। तो इसके टी को नहीं सोचेंगे आप, जैसे डाई एक्वा और इसको क्लोरो को सोचेंगे, डाई क्लोरो या क्लोराइडो, और क्रोमियम थर्ड, नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो है आप तो ये तीन आए हैं, इसके लिए ट्राइक्लोराइड नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी नाइट्रेट एक है या
दो तीन नए आंसर तो सर्टन पड़ता। ईएन क्या होता है आपका, इथाइलिन डायमीन, तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। क्रोमियम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 3 होगी क्रोमियम। थर्ड क्लोराइड। इन तीनों कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एनायन कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, वहां कैटायन था, तो इसका नाम बनेगा पोटेशियम। और आयरन की आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +3 +X -2 × 3 = 0, X = +3, तो +3 है। और ये ऑक्सीलेटो है, ट्राई ऑक्सीलेटो आपका फेरेट। थर्ड ये आपका बनेगा, और जो है दूसरे का आपका बनेगा पोटेशियम। और एमीन, अमोनिया के लिए एमीन आता है। और ट्राइक्लोरो, ठीक है, प्लैटिनम को ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगी, एक्स -3 + 0 + 1 = 0, तो X = 2 बनेगा। प्लस प्लैटिनेट इसका क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम की आप +3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन, ये आपका ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका आईपीसी नेम होगा लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनियम। इस कंपाउंड का नाम बताइए तीनों का, ठीक है। तो इसमें जो है जो कहीं पॉज करके पहले इनके नाम बनाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको आप कार्बोनिल कहते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगी, X+4 × 0 = 0, X = 0 आ जाएगा। कार्बोनिल निकिल इसका आप बनाइए, इसका बनेगा आपका ट्राई जमीन, के बाद आपका ट्राई नाइट्रो। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी, कोबाल्ट। पर तीसरा आपका एग्जांपल ये है, इसमें दो तरीके का आयन है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो पहले कैटायन आएगा हेक्साएमीन, और इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन है, इसकी भी +3 है, ठीक है ना, +3 - 3 यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हेक्साएमीन। अमोनिया के साथ जो ये दो ये आते हैं तो दोनों ही आते हैं, कोई गायब नहीं होगा, हेक्साएमीन और क्रोमियम। थर्ड हेक्सा साइनो वाल्टेट। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, ये ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है ना, ठीक है, ब्रिज। इसमें ये दोनों ब्रिज के लिगेंड्स हैं, तो पहले आप ये लिखेंगे इसको ब्रिज, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी आपका, कोबाल्ट मान लो 2x, हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 0 + 4 × 0, और इसकी -1 - 2 = 0, तो X = +3 आ जाएगा। तो बाढ़ की दोनों केसेस में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, विस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड, और उसके बाद आपका म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर आपका आएगा दिस इथेन 1,2 डाई एमीन और कोबाल्ट थर्ड सल्फर, ये इसका नाम होगा।
तो इस तरीके से हम ब्रिज कंपाउंड्स के भी नेम बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको जो है आप सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि आपका जो एनओ है ये आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या है इसमें ये आपको पहले फाइंड आउट करना। तो म्यू जो है आपका ये है 1.73, इसका मतलब एन इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.73। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके पास, 1। अब आप जानते हो भाई क्रोमियम जो है ये 26 होता है, आर्गन और 3d5 4s1 है। अब आप ये भी समझ लीजिए भाई जो एनायन बनेगा इसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 बैठेगी है, तो कुछ क्रोमियम की x होगी और एनओ की भी हमें नहीं पता वाई होगी, पर उन दोनों का सम जो है -4 होगा इजिकल्स टू -2 आ रहा होगा, यानी एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 2 होगा। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई आपका जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 हो या 2 हो, इसकी 0 या 1 हो, कुछ ऐसा आपको पॉसिबल है। तो अब जब आप इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, पेयर कर देगा, तो यदि आप इसमें से क्रोमियम जो है +1 भी शो करता है, +3 भी करता है और +6 तक शो करता है, तो आपकी जो है क्रोमियम की बहरहाल ऑक्सीडेशन नंबर आपके हिसाब से +1 या +2 ही हो सकती है, ये जो फार्मूला कह रहा है, ठीक है। तो यदि आप +2 सोचते हैं तो फिर यार D4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इसलिए क्रोमियम भी केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। आर्गन 3d5 ये आपके D5 इस तरीके से होंगे 1 2 3 4 5 जो इसके इसमें कंपाउंड में आपके CrNO NH3 Cl4 -2 में आपके इस तरीके से आ गए होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर जो ये 3D था उसके बाद 4S था और ये 4P था, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए होंगे आपके, ठीक है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया हो, सॉरी d2sp3 हो गया होगा, जिसकी शेप ऑक्टाहेड्रल बनेगी और इसका आप IUPAC नाम माने तो यानी क्रोमियम 1 है तो ये +1 होगा, ये भी +1 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम और उसके बाद आपका एमी टेट्रा साइनो, ठीक है, और नाइट्रो सोनियम और क्रोमेट